सत्र अब वो एक तरफ इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि ये सत्र ज़्यादा दिन चलना चाहिए, दूसरी तरफ उनको सत्र में रहना चाहिए, विधानसभा के भीतर जनता की समस्याओं को परेशानियों को उठाना चाहिए, लेकिन वो विधानसभा के भीतर ना रह के सड़कों पे घूम रहे हैं, कभी सड़कों पे बैठ जा रहे हैं, तो सदन में तो वो खुद ही नहीं बैठ रहे हैं, फिर सदन चलाने के लिए कह क्यों रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। उन्होंने कुछ और भी चीजें कही, जिस तरीके से बहुत से उनके सवाल थे जिनके जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दिए गए, रोजगार को लेकर मुद्दा उठाया गया था उस पर नहीं सरकार ने जवाब दिया, इस तरीके के और भी काफी चीजें उन्होंने बताई। अब मुझको समझ में नहीं आता है वो इतने, मतलब इतना उनको ज्ञान का भंडार है उनके पास कि उनके प्रश्नों का जवाब शायद हो सकता है कि मुश्किल हो रहा हो, लेकिन वो प्रश्न भी नहीं समझ में आ रहे कि वो आखिर जानना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण और बाकी सभी सदस्यगण सही तरीके से उनके हर बात को जवाब भी देना चाहते हैं, उनके प्रश्न शायद नहीं समझ में आ रहे होंगे लोगों को, इसलिए नहीं उनको, या फिर जवाब उनको नहीं समझ में आ रहे। मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कि उनको सदन में पहले दिन भी रहना चाहिए था, आज भी रहना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा जब मैं आ रहा था तो वो सड़क पे अपना प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से किस तरीके से लोकतंत्र चलेगा? अगर उनको ये सदन खत्म हो जाता उसके बाद सड़क पे घूमते, सदन में कम से कम जनता की समस्याओं को उठाते, रचनात्मक एक प्रयास होता तो अच्छा लगता। धन्यवाद। तमाम तरीके के इल्जाम लगाए कि सरकार को सदन जो है वो ज्यादा दिन चलाना चाहिए तो चार दिनों में खत्म किया जा रहा है, इस तरीके के इल्जाम लगाए। देखिए, जिनको सदन को फेस नहीं करना है उनके पास में तमाम बहाने हैं। सदन की कार्रवाई कितनी सुव्यवस्थित चलाने का काम वहाँ के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने और यहाँ पर सभापति जी ने किया है। अभी यहाँ पर विधान परिषद चल रहा है, जिसको जवाब ही नहीं देना है, जिसके पास मुद्दा ही नहीं है, तो वो सदन को कैसे फेस करेगा? मैं समझता हूँ कि जनता की गाड़ी कमाई से सदन चलता है, और इस प्रकार से कभी बाहर सड़क पर प्रदर्शन, कभी सदन के अंदर प्रदर्शन, कभी हल्ला और उसको बाधित करना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं के विरोध में है। उन्होंने कहा हमारे द्वारा उठाए गए सवालों का प्रॉपर तरीके से जवाब भी नहीं दिया गया, रोजगार का मुद्दा। देखिए, पूरा अवसर होता है विपक्ष के पास में कि वो जो उनकी प्रेक्षाएं हैं उनका जवाब जो संबंधित मंत्रीगण हैं और नेता सदन है वो देते हैं, और अगर उससे वो संतुष्ट नहीं होते तो वॉकआउट करते हैं। इन्होंने तो वॉकआउट भी नहीं किया, उसके पहले ही प्लान बना लिया कि हम सदन में नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अलोकतांत्रिक गतिविधियाँ ये जरूर से सदन की कार्रवाई में बाधित बनती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।